हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज अपने देखेंगे सूक्ष्म जीवों का जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके बारे में जो पॉइंट्स बच गए हैं सूक्ष्म जीवों की, जो ये आज की क्लास होगी वो लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अपना जो सूक्ष्म जीवों के महत्व हैं दैनिक जीवन में महत्व, उसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में, और किसके बारे में देखेंगे, एल्कोहल ईंधन के बारे में देखेंगे। यहाँ से कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जामों में, ये कहाँ से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट निकलता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बनते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, तो अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो बात करते हैं, पहला जो अपने पढ़ेंगे वो SCP पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला ही जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, SCP पढ़ेंगे। और इसको अपने बोलते हैं एकल सेल प्रोटीन बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, एकल सेल प्रोटीन बोलते हैं, यानी एकल कोशिकीय प्रोटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एकल कोशिकीय प्रोटीन बोलते हैं, एकल कोशिकीय प्रोटीन बोलते हैं। अब एकल कोशिकीय प्रोटीन है क्या, ऐसी प्रोटीन जो कैसी होती है, एक कोशिकीय प्रोटीन होती है, ऐसी प्रोटीन जो कैसी होती है, एक कोशिकीय प्रोटीन होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, एकल कोशिकीय प्रोटीन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, अपने अभी पढ़ेंगे स्पाइरुलिना की बात करेंगे, मेन किसकी बात करेंगे, स्पाइरुलिना की बात करेंगे। और आप लोगों ने अगर स्पाइरुलिना का नाम सुनना है तो अच्छे से जानती हूँ इसको, स्पाइरुलिना, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की एक कोशिकीय शैवाल है। ये क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। ये एक प्रकार की एक कोशिकीय शैवाल है, और शैवाल जानते हो काई या शैवाल, ठीक है, जो पानी के ऊपर तैरती रहती है हरे हरे कलर की। तो ये एक कोशिकीय शैवाल होती है। इसका निर्माण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो अंतरिक्ष यात्रियों को ये देते हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक ही जाते हैं, अपने को पता है, सामान्य पैसेंजर तो जाते नहीं है, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, इसका उपयोग, स्पाइरुलिना का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री की बात करें, अंतरिक्ष यात्री जो इसका उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, स्पाइरुलिना का। अंतरिक्ष यात्री उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कौन करता है, अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। अभी बात करें, ये बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। बात करें एकल कोशिकीय प्रोटीन कौन कौन बना सकता है, क्या एक कोशिकीय जीव बना सकता है, क्या नहीं। ये इसी प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए एकल कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में पाई जाती है। वहीं अगर अपने एक और पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, उदाहरण बताता हूँ किसका, कि मान लो अपने पास में एक गाय है जिसका वजन कितना होता है, अपने को पता है कि 250 किलो, यानी 250 kg वजन वाली, 250 kg वजन वाली गाय, 250 kg वजन वाली जो गाय है, वजन वाली गाय जो है वो कितना अपने को देती है, एक समय के अंदर वो कितना प्रोटीन बना सकती है, तो वह एक समय के अंदर 200 ग्राम प्रोटीन बना सकती है। कितना बना सकती है, 200 ग्राम प्रोटीन अपने को दे सकती है। 250 किलो वाली गाय क्या कर सकती है, एक समय के अंदर अपने को 200 ग्राम प्रोटीन दे सकती है। वहीं मैं बात करूँ एक बैक्टीरिया की, वहीं मैं बात करूँ, बेसिलस बैक्टीरिया है, मेथिलोफिल्स बोलते हैं या मेथिलोफिल्स बोलते हैं, मेथिलोफिल्स बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, बैक्टीरिया, ये मेथिलोफिल्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको अगर 250 ग्राम भी लिया जाए, इनको क्या लिया जाए, अगर 250 ग्राम भी लिया जाए तो ये क्या कर देंगे, 25 टन प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। किसका कर देंगे, 25 टन प्रोटीन बना सकते हैं एक समय के अंदर। यानी 250 किलो वाली गाय एक समय के अंदर अपने लिए प्रोटीन कितना बना सकती है, 200 ग्राम प्रोटीन। अगर वहीं बात करें कि 250 ग्राम अगर अपने सिर्फ क्या ले लें, 250 ग्राम अगर सिर्फ अपने बैक्टीरिया ले लें, मिथेरोफिल्स बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, और ये बैक्टीरिया एक समय के अंदर 25 टन प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। देखो, इतना सूक्ष्म जीवों का, कुछ सूक्ष्म जीव अपने लिए लाभदायक भी होते हैं, सारे हानिकारक नहीं होते, तो इतना सूक्ष्म जीवों का जो है अपने दैनिक जीवन में महत्व है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, स्पाइरुलिना के बारे में ध्यान रखना है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगर वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा किसी में प्रोटीन है तो वो स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर पाई जाती है। ये एक कोशिका होती है, इसलिए एक कोशिकाओं को अपने आँख की सहायता से देख नहीं सकते। इनका स्वर्धन माध्यम वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है प्रयोगशालाओं में, ठीक है, बनाई जाती है इसको, और इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा कौन करता है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भोजन के रूप में स्पाइरुलिना को खाते हैं, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला अपना जो पॉइंट है वो है पेट्रोलियम,
ठीक है। अगला अपना पॉइंट कौन सा है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने देखने वाले हैं वो पेट्रोलियम देखने वाले हैं, यानी पेट्रोलियम का सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या योगदान है, या सूक्ष्म जीवों का पेट्रोलियम स्तर के अंदर क्या योगदान है, या सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपने लिए है। तो दो वैज्ञानिक आए थे, या अपने देखें कि मेल्विन केल्विन, कौन है? मेल्विन, एक है मेल्विन केल्विन, या एक ही नाम है ये समझो, मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने क्या किया था? ऐसे पादपों की खोज की, ऐसे क्या किए? पादप खोजे। मेल्विन केल्विन ने ऐसे पादप खोजे जिसके अंदर क्या पाया जाता हो? हाइड्रोकार्बन पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पाया जाता हो। मेल्विन केल्विन ने ऐसे पादप खोजे जिसके अंदर क्या मिला? हाइड्रोकार्बन मिला। तो उस हाइड्रोकार्बन का उपयोग कैसे, कहां पे किया जा सकता है? ईंधन के रूप में किया जा सकता है। किसके रूप में किया जा सकता है? ईंधन के रूप में किया जा सकता है, यानी वाहन चलाने के लिए किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी बायोडीजल के जो पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, ठीक है, बायोडीजल के जो पंप लग रहे हैं डीजल के, ठीक है, तो वो बायोडीजल भी कहां से बन रही है? वो इन्हीं प्रकार के पादपों से बन रही है जो किसने खोजे थे? मेल्विन केल्विन ने खोजे थे। कैसे? ऐसे पादप खोजे थे, या अपने बात करें उन पादपों का कुल कौन सा है, कौन कौन से कुल के जो पादप आते हैं जो इसके अंदर क्या करते हैं? बायोडीजल के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान में रखना है, एक तो अपने को U4BSC कुल, पहला ही ध्यान में क्या रखना है? U4BSC कुल, ठीक है। एक तो U4BSC कुल हो गया, ठीक है। एक कौन सा हो गया? SKLA APDAC, ठीक है। SKLA APDAC ध्यान में रख लेना, ये भी कुल है एक, इनके भी पादप काम में आते हैं। एक हो गया एपोसाइनेसी, एक कौन सा हो गया? एपोसाइनेसी, ये भी कुल हो गया। तो ये तीन प्रकार के जो पादपों के कुल हैं, इससे भी ज्यादा पादप खोजे गए हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के दायरे से अपने को तीन कुल ध्यान में रखने हैं, U4BSC, SKLA APDAC और एपोसाइनेसी कुल के जो पादप होते हैं वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यानी इस प्रकार का लेटेक्स, यानी दुग्ध एक प्रकार का क्या है? लेटेक्स, ठीक है। एक प्रकार के क्या बनाते हैं? लेटेक्स बनाते हैं, और उन लेटेक्स के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो उस हाइड्रोकार्बन का उपयोग अपने ईंधन के रूप में कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज के टाइम में क्या बढ़ रहा है? बायोडीजल बढ़ रहा है। कौन से पादप है? एक पादप का उदाहरण ध्यान में रख लो, कौन सा पादप है वो? जैसे जेट्रोपा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? जेट्रोपा, ये जेट्रोपा हो गया। एक आज के टाइम में बाग लगे हुए आपने देखा होगा, जोजोबा भी आता है। क्या आता है? जोजोबा, ये जोजोबा भी बायोडीजल के रूप में काम में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पादप खोजे गए हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है? जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, और वो बायोडीजल के रूप में, बायो पेट्रोलियम के रूप में काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करेंगे, अल्कोहल, ईंधन के बारे में। और आप सभी लोग परिचित हो अल्कोहल से। अल्कोहल जो होती है वो क्या होती है? सामान्य अल्कोहल वो क्या है? वो शराब है। अल्कोहल क्या है? शराब, ठीक है। आज अपने शराब की बात करेंगे कि लोगों ने शराब का उपयोग पीने के लिए तो खूब किया है, आखिर रीजन क्या है? आखिर लोग पीने के बाद में ही क्यों चलते हैं, ठीक है, ये भी बात करेंगे, ठीक है। आज आपको पता चलेगा कि अल्कोहल के अंदर कितनी पावर होती है। अल्कोहल जो होती है, अच्छी ओरिजिनल अल्कोहल जो होती है, वो पेट्रोल की तरह काम करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार प्रैक्टिकल करके या लैब के अंदर प्रैक्टिकल करके देखना, जो अल्कोहल यानी शराब होती है उसके पास में माचिस की तिल्ली जला के लेके जाना, शराब जो होती है वो जलती है पेट्रोल की तरह जलती है, ठीक है। जिस प्रकार से पेट्रोल जलता है, अगर शराब अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, अच्छी क्वांटिटी है अल्कोहल की, तो अल्कोहल भी क्या है? पेट्रोल की तरह जलता है। तो क्यों ना वैज्ञानिकों ने सोचा कि अल्कोहल अब पेट्रोलियम पदार्थों की तो कमी होती जा रही है, क्योंकि ये सीमित पदार्थ है, ठीक है, ये एक ना एक टाइम खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। तो वैज्ञानिक विचारे क्या कर रहे हैं, ये सोचा कि क्यों ना अल्कोहल तो बनाई जा सकती है, अच्छी अल्कोहल तो निकाली जा सकती है, बनाई जा सकती है, कारखानों में, औद्योगिक क्षेत्र में तैयार की जा सकती है। तो अल्कोहल का उपयोग अगर अपने ईंधन चलाने में, मोटर वाहन चलाने के अंदर करने लग जाएं, तो ये संभव है, ठीक है। और ब्राजील के अंदर अल्कोहल की बात करें, तो ब्राजील के अंदर अल्कोहल से, कहाँ पर? ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में अल्कोहल से क्या हो रखा है? अल्कोहल से मोटर वाहन चलाने का परीक्षण जो है वो सफल हो चुका है। ब्राजील ने क्या किया है? पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले परीक्षण किया है अल्कोहल से मोटर वाहन चलाने का, और ये परीक्षण जो है वो सफल रहा है। भारत सरकार ने भी पेट्रोल में
पेट्रोल में 5% एल्कोहल मिलाने की मंजूरी जो है वो दे दी है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल कम है और पेट्रोल के अंदर भारत ने क्या बोला है, भारत सरकार ने, कि पेट्रोल के अंदर 5% किसकी मात्रा डाल दो, एल्कोहल की मात्रा डाल दो। जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी का एल्कोहल बनता जाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल की जगह किसका यूज होने लगेगा, एल्कोहल का यूज होने लगेगा। अब सर कई तो सोच रहे होंगे अच्छा ही काम हो गया और कईयों के लिए माड़ा काम हो गया, जो बेचारे इन चीज़ों से दूर है जो सही है उनके लिए तो थोड़ा सा ये हो गया कि स्मेल देगा, लेकिन स्मेल वैज्ञानिक जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, हर एक मतलब तोड़ का, हर एक कोई किसी भी क्वेश्चन का कोई ना कोई तोड़ होता है, कोई ना कोई आंसर होता है, ठीक है। अब सर ये तो इस प्रकार से उसको ये भी नहीं हो सकेगा कि जैसे मान लो कोई बाइक चलाने वाला है उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया, तो ये नहीं है कि जब तक पेट्रोल बाइक चली तब तक चली और आखिर में एल्कोहल की जरूरत पड़ी तो नलकी से निकाला और पी लिया, ठीक है, इस प्रकार का एल्कोहल भी नहीं बनने वाला है। इतनी मौज, इतनी आपके लिए खुशी जो है वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिक इसको इस प्रकार से संशोधित करेंगे कि ये पीने योग्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल ही ना घबराएं। तो आने वाले टाइम के अंदर एल्कोहल से क्या चलने वाले हैं, एल्कोहल ईंधन के रूप में काम में आने वाला है, इनसे मोटर वाहन चलने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपना सूक्ष्म जीवों का जो चैप्टर चल रहा था वो पूरी तरह से हो चुका है ख़त्म मेरी तरफ से। आपने कितनी क्लासें लगाई है, कितनी ज्वाइन की है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो। मिलते हैं इसी प्रकार से नए टॉपिक के साथ में नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।